हेलो हेलो नमस्ते वेलकम भाई कैसे हैं आप लोग सबको सबको सब कोई बढ़िया चलो भाई अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पूरा का पूरा रिवीजन लेक्चर्स फॉर सीए फाउंडेशन हां जी भाई तो ये रिवीजन लेक्चर्स एप्लीकेबल रहेगा 2025 थाउजेंड ट्वेंटी फाइव से लेकर 2026 का जनवरी तक है ना सो दीज लेक्चर्स जो अभी मैं आपको टिप्स देने जा रहा हूं जो सिलेबस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इट इज डेफिनेटली एप्लीकेबल फॉर दोज पीपल हुआ आर सिटिंग फॉर द एग्जाम इन मे 2025 सितंबर 2025 एंड जनवरी 2026 तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए है और ये तो कुछ भी नहीं है जो लोग जनवरी ट्वेंटी फाइव का भी अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है हां जी भाई आराम से एक साल तक ये वैलिडिटी रहेगा इस वीडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने पहले ही बता दिया सो दैट रेस्ट अश्योर आपको पता रहे कि आप किस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हो राइट right? अच्छा सो आई विल बी स्टार्टिंग दिस एंटायर रिविजन सीरीज बाई टेलिंग यू इन शॉर्ट हाउ टू गो अबाउट लॉ तो भाई ऐसा है कि आप लोगों का टोटल चार सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में सीए फाउंडेशन का जो ये चारों सब्जेक्ट है ना ये जो चारों सब्जेक्ट आपके पास सीए फाउंडेशन का पड़ा हुआ है इसमें आप लोग ना एक छोटा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर हमारे पास अकाउंट्स है जो हम अप्रॉक्सिमेटली 2.5 पॉइंट ईयर से पढ़ रहे हैं क्लास 11 में भी पढ़े हैं ट्वेल्व में भी पढ़े हैं उसके बाद थोड़ा सा कॉलेज भी शुरू हो गया मैं भी किसी किसी लोग का और वो लोग भी पढ़ लिए सो अकाउंट्स में एक बेस सबका तैयार है अगर मैं बात करूं लॉ का दो सेकेंड बाद बात अगर मैं बात करूं इको का तो भी लोगों का काफी हद तक प्रिपरेशन है बिकॉज इलेवन ट में इकोनॉमिक्स वॉज देयर तो अगर कोई डिमांड सप्लाई जैसे वर्ड यूज करता है इट इज नॉट वेरी शॉकिंग टू यू माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है राइट right? एंड काफी लोगों का भाई स्टार्ट तो काफी लोगों का था ही इकोनॉमिक्स के साथ और अगर नहीं भी था तो मैथ्स एंड स्टार्ट लेने वाले बच्चे भी बहुत थे क्लास इलेवन ट्वेल्व में अगर फिर भी नहीं लिया तो भाई ओवरऑल सारे बच्चों को हंड्रेड सफर करना निश्चित है लॉ में फिर भी कुछ प्रोबेबिलिटी होता है दैट यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ मैथ्स एंड स्टार्ट बट देर इज नो वे ऑन अर्थ दैट यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ लॉ एंड दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल हु हुन टू नॉट क्लियर देयर सी ए फाउंडेशन एग्जाम हैव देर रिजल्ट इन अ वेरी बैड सिचुएशन वेन इट कम्स टू लॉ तो लॉ का अगर आप रिजल्ट देखेंगे बाकी सब कुछ ठीक है भाई अकाउंट्स में 80 पार हो गया 70 पार हो गया 65 पार हो गया बाकी सारा सब्जेक्ट में लेकिन लॉ में सर थर्टीज में आ गया तो ऐसा रिस्क लेने का छह महीना चार महीना अपना बर्बाद करने का जिंदगी का कोई जरूरत नहीं है ऑल यू नीड टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू स्टडी लॉ एक होता है भाई हाउ टू स्टडी लॉ तो उसके लिए मैं आपके पास लेके आया हूं एकदम बवाल उपाय जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें से अप्रोक्सीमेटली कितना मार्क्स एक्सपेक्टेड है और हर एक चैप्टर से कितना मार्क्स मोटा मोटी एक्सपेक्टेड है देखो एग्जैक्ट तो मैं अभी नहीं रिलीज कर सकता एग्जैक्ट आईसीआई खुद आपको नहीं बताएगा इट right? लेकिन एक रफ एस्टिमेट ले सकते हैं और वो रफ एस्टिमेट मैं आप लोगों को बता दूंगा एंड देन व्हेन यू सिट डाउन टू स्टडी लॉ सबको यही लगता है सर चैप्टर वन से शुरू करते हैं सर एक के बाद एक पेज पढ़ेंगे लॉ पढ़ने का और बेटर इंप्रोवाइज तरीका है सर ऑब्वियसली मैं अपने टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था तब तो मैं वैसे ही पढ़ा था भाई पेज बाय पेज पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड जब हमारे पास थोड़ा स्ट्रेटेजिक स्टडी करने का मौका है सो व्हाई नॉट एक्सप्लोइ दैट अपॉर्चुनिटी सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग सम गुड स्ट्रैटेजिक स्टडी कम एफर्ट में ज्यादा पढ़ाई हो पाएगा और उसका एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा सो so, प्लीज आप लोग इस पर्टिकुलर जो भी वीडियो है यहां पर जो भी सब्सक्राइब बटन दिखेगा क्यों सब्सक्राइब करना है इसके पीछे रीजन है कि मोटा मोटी रेगुलर बेसिस पे आपके पास बहुत सारा वीडियो आता रहेगा राइट right? अगर मैं आपको बस सिलेबस बता दूं सो यू कैन सी हियर दैट देर आर रफली सेवन चैप्टर्स इन योर सिलेबस सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉ सिलेबस देर आर टोटल सेवन चैप्टर इन दर एग्जाम कोई अपने माइंड में रखना ही मत मार्क का भी एक रुपया का भी एमसीक्यू आएगा बिल्कुल भी नहीं आएगा सो दर एग्जाम्सिव एंड जो चैप्टर्स है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इंडियन रेगुलेटरी फ्रमवर्क इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन पार्टनशिप एक्ट एल एल पी कंपनीबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सबका ईयर भी लिखा हुआ अभी यह जो पर्टिक्युलर सिलेबस आप लोगो कर रहे हैं इसमें सबसे ईजी चैप्टर ऑब्वियसली फर्स्ट वाला लगेगा कि भाई उसमें तो कंटेंट ही नहीं है इसीलिए उसका मार्क्स मार्क्स एक्सपेक्टेशन भी एक, दो, तीन, तीन से ज़्यादा ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं करते करेक्ट है योर ओपन योर आईसीआई का स्टडी मटीरियल यू विल फाइंड दैट दिस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इन टू नाइन डिफरेंट यूनिट्स सो अगर आप इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखोगे उसमें कोई यूनिट नहीं है इंडियन कॉन्ट्रेक्ट में नौ यूनिट बनाया हुआ है आपके बुक में में सेल ऑफ गुड्स एक्ट चार यूनिट बनाया हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तीन यूनिट बनाया हुआ है एलएलपी में नो यूनिट्स कंपनी एक्ट में नो यूनिट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नो no यूनिट्स तो अगर मैं इसका एक यूनिट ले लूं इसका एक यूनिट ले लूं इसका एक यूनिट ले लूं लू और इसका एक यूनिट ले लूं बिकॉज यूनिट्स नहीं है तो अपने आप में वो खुद ही एक यूनिट हो गया टोटल आपके पास आ रहा है ट्वेंटी यूनिट्स सो so, ओवरऑल बहुत बार क्या होता है ना हम लोग ऐसे दूर से देखते हैं खाली चैप्टर्स पढ़ना है अकाउंट्स का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है अकाउंट्स हाँ, का सिलेबस ज्यादा है इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस अच्छा है चैप्टर्स के आसपास है लेकिन अगर मैं यहां पर लॉ का सिलेबस देखूं तो ये जो सेवन चैप्टर्स दिया हुआ है ये एक ये ढका हुआ है दिस इज जस्ट अ क्लोक तो देख के इजी लग रहा है बट वांस यू सिट डाउन टू स्टडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप बोलेंगे सर आधा किताब हो गया अभी तक हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे खत्म नहीं हुआ

तो अलग अलग लॉ के हिसाब से अलग अलग यूनिट वाइज वीडियो आते रहेंगे ठीक है सो आई थिंक दिस इज क्लियर ये आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी के साथ बैठ गया है हर एक चैप्टर में से एक सर्टन नंबर ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेड है विच इज गिवन हियर बहुत बार वो लोग पूछते हैं सर बता दीजिए सर एग्जाम के पहले क्या आने वाला है सर थोड़ा सा मजा दे दीजिए सर थोड़ा सा बता दीजिए सर मतलब कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट लॉ जब आप पढ़ने बैठे हैं देर आर एसेंशियली सम टॉपिक्स दैट यू कैन लीव आउट सर मेरे को ये डेफिनेशन लर्न नहीं करना बहुत टफ लग रहा है ये वो there are always things that that will be left out right but if you leave if you just keep leaving things then you might as well be left out in entire life so it is obviously required ki aap itna bhi na chhode ki padhai hi tumhe chhod de you know soch samajh ke chhodenge aur पहले इस position में आ जाओ कि भाई majority of syllabus हमारा खत्म हो गया है revision हो गया है उसके बाद हाँ भाई कोई एक portion है जो नहीं हो रहा मेरे से नहीं दिमाग में घुस रहा नहीं होगा मेरे से लर्न तो ठीक है भाई वो मार्क मार्क अपने कि अगर हम लोग ये पर्टिकुलर लॉजिक फॉलो करें कि भाई कितना मार्क्स आने वाला है तो मैं आपको एक रफ रफ एस्टिमेट दे सकता हूं दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नो डाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अप्रॉक्सिमेटली आधा बुक आपका ऑलमोस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है राइट उसके बाद अगर कोई पूछेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है तो मैं आपका फोकस हमेशा रखता हूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे और क्योंकि पढ़ने में ईजी पड़ता है इसीलिए कंपनीज एक्ट पे राइट तो आपको इस तरीके से देखना है कि आपको क्या डाइजेस्ट हो रहा है कितना जल्दी हो रहा है आपसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कितना आपका ऑलरेडी ट्यूशन में कवर हो गया है कितना कहां पर आपको सपोर्ट का जरूरत है लॉट ऑफ इफ्स एंड बर्ड यू नीड टू टेक केयर ऑफ तो ज्यादा सोचे ना करे ज्यादा तो आई थिंक ज्यादा बेनिफिट रहेगा सो डोंट वरी टू मच अबाउट हाउ टू डू इट कुछ नहीं आता और जितना आता सर मैं भूल चुका हूं और मुझे एक फ्रेश प्लान बना के दो. तो मैं आपको बता देता हूं ये वाक्स को गोली मारो पढ़ना कैसे मैं आपको मैप बता रहा हूं शॉर्ट में फटाफट ठीक है आज भाई देख लो इंडियन कॉन्ट्रेक्ट एक्ट सबसे पहले आप जब पढ़ने बैठेंगे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट वन से लेकर यूनिट थ्री तक पढ़ेंगे ठीक है आप जब पढ़ने बैठेंगे सर पढ़ना कैसे सर देखो एक सिंपल लॉलॉजिक में बता रहा हूं अगर मैं अपना रेफरेंस लूं तो क्लासेस का लेक्चर तो सभी का देखा हुआ हो गया होगा एवरीथिंग इज कंप्लीट अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो प्लीज फटाफट कंप्लीट कर लो जो भी पेंडिंग है उसके बाद आप रिवीजन वीडियो पहले देख लो मैं जो रिवाइज करा रहा हूं वो रिवीजन वीडियो आप देख लो उसके बाद आप चैप्टर खोलो और जो जो पोर्शन आपको लगा कि नहीं यार मेरे को लर्न नहीं हुआ जब मैं रिवाइज कराऊंगा मैं आपको बोल दूंगा क्या क्या लर्न करना है क्या क्या नहीं करना है तो आप क्या करेंगे जो जो कंसेप्चुअली समझ में आ गया okay, और जो करने उसको लिक के कर लिया, अगर इंसान है नहीं तो ऐसे ही हो गया, तो well हो गया इससे आप कर भी नहीं पाएंगे दिस इज मोर देनफा भाई मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो हाँ भाई वॉइड अग्रीमेंट समझ में आ गया वैलिड अग्रीमेंट समझ में आ गया हाँ भाई अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया तो आपका जो वराइटीज आपको एक बार एक

समझ रहे मिसरेप्रेजेंटेश गलती से मिस्टेक हो गया अरे गलती से मिस्टेक हो गया डज नॉट मेक सेंस समझ में आ रहा है so, सो आपको जो लिखना है उसके लिए आपको शब्द चाहिए वर्ड्स चाहिए और वर्ड्स तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा जब तक आप थोड़ा लर्न ना करें वो कैबुलरी डेवलप ना करें समझ आ गया एक बार आपका देख लो एक बार आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट वन से लेकर थ्री तक कवर हो जाएगा तो आपका बेसिक्स हो जाएगा करेक्ट है उसके बाद देख लो मैंने पहले क्या बोला रिवीजन वीडियो देखना उसके बाद पक्का कर लेना आईसीआई का मटेरियल खोल के मेरा नोट्स देख के उसके बाद सारे क्वेश्चन देख लेना पीछे के questions देख लेना पीछे के और उसके आंसर आंसर आप आप दे पा रहे कि नहीं एक बार यह पक्का हो गया देन यू शिफ्ट टू स्टडी सोगा सोगा बोले तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो इंडियन कॉन्ट्रेट एक्ट यूनिट वन से लेकर यूनिट थ्री करेंगे उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट वन से लेकर यूनिट फोर करेंगे राइट पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनीज एक्ट खत्म कर लेंगे क्योंकि बहुत स्कोरिंग है और तब तक ये करते टाइम आपको थोड़ी सी याद आएगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कि सर थोड़ा भूल ना जाए इसीलिए आप यूनिट फोर से लेकर यूनिट सिक्स कर लेंगे तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल्ड में रह गया सोगा भी खत्म हो गया और कंपनीज एक्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया उसके बाद क्योंकि कंपनीज एक्ट पड़ा हुआ है एलएलपी पढ़ने में एकदम बचकाना हरकत लगेगा राइट और उसके बाद दिमाग में थोड़ा जोर डालेंगे और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने का जोखिम उठाएंगे कि भाई हाँ भाई वी नीड टू डू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट

आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पहले आप पहले पढ़ सकते हैं है ना और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को बाद में पढ़ सकते हैं आपके ऊपर है ये कैन कैन आई मेक मेक चेंजेस चेंजेस यस यू टू दिस लाइक मतलब अगर आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो आप करो लेकिन प्लीज आप करो ये सजेशन उनके लिए है जिनके पास कोई मैप नहीं है जो भगवान जाने क्या कर रहे हैं दे आर जस्ट डूइंग वट दे फील लाइक डूइंग उनके लिए ये सजेशन मैंने दिया है कि भाई देखो जो मन में आए वो मत करो समझ में आ रहा है ये कर लो और अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर है कि नहीं सर आई एम मोर कंफर्टेबल डूइंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फर्स्ट देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लीज बी माई गेस्ट कंप्लीटेड ऑल आई वॉन्ट इज योर सिलेबस टू बी ओवर दैट्स इट इफ यू हैव अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट डू इट डू इट एप्सोल्यूटली फाइन विद मी राइट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और लास्ट में मैंने डाला इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये ऐसा चैप्टर है जो आप एग्जाम हॉल के बाहर खड़े रहेंगे पंद्रह मिनट में गो थ्रू करेंगे हो गया समझ आया इसको लेकर स्ट्रेस नहीं लेंगे और इसको लेकर अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तो इसको लेकर तुम जता भी नहीं सकते यू के नॉट से फालतू चैप्टर है तो so, ये सब चीज के लिए टाइम वेस्ट मत करना सर हाउ मेनी डेज शुड आई गिव टू रिवाइज एंड कंप्लीट दी एंटायर लॉ सिलेबस फोर्टी डेज इज मोर देन राइट सो आई यूनिट्स दो दिन लगाएंगे एक यूनिट को विच इज इम्प्रैक्टिकल मेरे को पता है मेरे को पता है हाँ 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 मेरे को पता है लेकिन सर इसीलिए तो मैंने आपको नोट्स दिया है इसीलिए तो मैं रिविजन लेक्चर दे रहा हूं अगर मैं एक घंटे में डेढ़ घंटे में दो घंटे में पूरा रिवाइज करवा सकता हूं आपको एक चैप्टर तो आप क्यों नहीं कर सकते रिविजन है ना रिविजन करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो दिन लगना चाहिए रिविजन करने में सारा लेक्चर देख देख के दो दिन में रिविजन खत्म लेकिन टिल द कंसर्न ऑफ यू नो दिस एंटायर स्टडी पैटर्न इज फोर्टी डेज टू सिक्सटी डेज लग जाता है क्योंकि खाली एक ही सब्जेक्ट नहीं और भी सब्जेक्ट्स है लेकिन आपको स्ट्रिक्ट शेड्यूल पे रहना है आपको डिस्ट्रेक्शन दूर रखने हैं आपको मियाँ बीबी बच्चे समेत के बारे में बाद में सोचना है आपको अपने ऊपर फोकस करना है पहले अपनी तरक्की कर लो उसके बाद आप दुनिया में सबको आगे बढ़ाते रहना और सबको एंटरटेन करते रहना इट इज सिंपल एज दैट सो प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड वेर यू हैव टू प्रिपेयर एंड देन आप कौन और मै कॉन है कि नहीं चलो भाई तो हम लोग आप मिलेंगे अगले लेक्चर में जहां पर हम लोग बेसिकली रिविजन स्टार्ट करेंगे